अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हुसैन तालीम की तड़का के प्लेटफॉर्म से। हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 5 फरवरी 2021 को जॉब आई है, जिसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2021 है, वो डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको तमाम डिटेल के साथ मतलब बता दिया था कि उसमें क्या क्या एज लिमिट है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट हैं, ये सब मैंने बता दिया था। अब मज़ीद वीडियो तकरीबन 23-24 मिनट का हो गया था, इसलिए उसको मैंने वहाँ पे स्किप करके ये एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको मज़ीद डिटेल दे रहा हूँ। इसका जो चलान है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी पोस्ट का चलान था, 500 रुपये आपको पे करने होंगे। नेशनल बैंक में जमा करवा सकते हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं आप पैसे। और उसके अलावा नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जो आपके घर से करीब हो उसमें, लेकिन उसका कोड बस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में जो जो कोड उसके मौजूद हैं उसी पे मतलब कर सकते हैं। अगर उसके अलावा करवाएंगे तो फिर हो सकता है कोई आगे चल के ऑब्जेक्शन हो। उसके बाद ये लिखते हैं चलान फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, ओपन करके भी बताया था। उसके बाद जर्नल एज रिलैक्सेशन अप टू 15 ईयर इन एप्लीकेबल इन द अपर एज लिमिट फॉर वैकेंसी इन द ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध टू बी फिल्ड फ्रॉम द 1 जुलाई 2020। अच्छा, एज लिमिट अप्लाई होगी इसके अंदर, अपर एज लिमिट जो जो जॉब है जिसके आगे हैं, आगे जैसे 30 साल है, 30 साल में आप 15+ कर लेंगे तो 45 साल हो जाएगी। अगर 28 साल है, 28 में 15+ कर लेंगे तो 33 साल हो जाएगी। ऐसे जो जो एज लिमिट जो मैक्सिमम के आगे प्लस 15 करके उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ऑप्शंस के अंदर लिखा हुआ डोमिसाइल एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेंटर वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज एनी स्टेज। अच्छा जी, कैंडिडेट विल बी कंसीडर इंटरव्यू फॉलोइंग स्क्रीनिंग के स्लैश शॉर्टलिस्टेड टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल। अच्छा, ये तो बात की कहानी है। उसके अलावा रिकोगनाइज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2006 विच इज एज अंडर, ये वो क्राइटेरिया है कि कितनी पोस्ट के अंदर कितनी पोस्ट में जो लोग पास होंगे है तो कितने लोगों को हम बुलाएंगे। जैसे उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर्स अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, पर वही पहली हेडिंग में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, या क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो किसी ने बनाया होगा, जो कि आसान भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। उसके अलावा चलान भरने का तरीका तो मैंने आपको बताया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके अंदर भी एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। उसके अलावा क्या लिखा हुआ, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीचर विल बी अवेलेबल अराउंड द क्लॉक। अच्छा, मतलब आप क्लोजिंग 5 बजे तक, मतलब जब डेट ख़त्म होगी तो उसके 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो वो फीचर नज़र ही नहीं आएंगे, उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, आपको मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि अभी ये जॉब आ गई है तो उसके 5-10 दिन के बाद भी आप अगर अप्लाई करें तो आपका आसानी से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फिर वो मैं आपको फर्दर किसी वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद बस यही सारी मतलब इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है। चलान, बस चलान का मसला होता है कि चलान इसका 500 रुपये का है, 500 रुपये का फिल करने का तरीका मैंने इसको मैं बता दिया। नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन नेशनल बैंक की वो ब्रांच में ही जमा करवाए हैं जिसका कोड इसकी वेबसाइट पर मौजूद है। उसके अलावा ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है ऑनलाइन प्रोसेस, तस्वीर लोड करने में थोड़ा मसला होता है। और बाकी
जिसने सही से इंटर इंटर मैट्रिक या ग्रेजुएशन पास किया होगा वो आसानी से इस पे कर लेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।